हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टील स्ट्रक्चर की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी एसएससी प्रीलिम्स के लिए, वहाँ पे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गैंट्री गर्डर के बारे में। क्लियर? देखिए, सबसे पहली बात जो आती है आपके पास कि मिला, तो सबसे पहली जो बात आती है आपके पास कि गैंट्री गर्डर क्या है। देखो, इसको समझते हैं। गर्डर का मतलब तो आप सभी समझते हो कि भाई जो बड़ी साइज की बीम होती है। क्लियर? जो बड़ी साइज की बीम होती है, जो एन नंबर ऑफ स्मॉल बीम को सपोर्ट करती हैं, उन्हें हम गर्डर बोलते हैं। क्लियर? तो गैंट्री गर्डर क्या है? देखो, आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, क्लियर, वहां पे कुछ गर्डर या कुछ क्रेन टाइप लगी होती हैं जो लोड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के काम में आती हैं। क्लियर? जैसे कि अगर मैं एक सेक्शन बनाऊंगा एंट्री गर्डर का, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे आपके पास एक सपोर्टेड कॉलम है जो किसी आई सेक्शन या दो कंबाइंड चैनल सेक्शन की हेल्प से बनाया हुआ होगा। क्लियर? ये इसका फ्लैंज हो गया वन, ये दूसरा फ्लैंज इसका। क्लियर? इस कॉलम को बॉटम साइड से मैंने सपोर्ट किया हुआ है किसी पेडिस्टल के हेल्प से, तो ये एक पेडिस्टल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्लियर ना? ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर देखेंगे तो थोड़ा सा समझो, एक बार मैं इस फिगर को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने लगाया ब्रैकेट, क्लियर, या कोई भी एक मेंबर सपोर्ट करने के लिए गर्डर को, और इस ब्रैकेट के ऊपर या इस मेंबर के ऊपर अपनी रखी हुई है गैंट्री गर्डर। क्लियर ना? ये यहाँ पे आपकी एक गैंट्री गर्डर है। मैं इसका एक बार सेक्शन बना देता हूँ। ये आपके पास एक गेंट्री गर्डर है इस तरीके से। ये आप जो गर्डर देख पा रहे हैं, जो आई सेक्शन देख पा रहे हो आप, क्लियर, जनरली तो देखिए बिल्टअप सेक्शन ही होगा, क्योंकि रोल्ड सेक्शन में इतनी बड़ी गर्डर मिलना या इतने बड़े लोड के लिए गर्डर मिलना नामुमकिन सा ही होता है। तो जनरली जो आपके पास गेंट्री गर्डर है, ये आप जो देख पा रहे हो, ये बिल्टअप सेक्शन ही होता है। गुड मॉर्निंग रसना। अब देखें यहाँ पे, ये जो आपके पास गर्डर है, गेंट्री गर्डर जो है, अब इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्लियर, इसकी बकलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसकी आप बोल सकते हैं कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एडिशनल कवर प्लेट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? और जो एडिशनल कवर प्लेट है, जनरली आपकी फ्लैट सेक्शन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और मोस्टली अगर देखा जाए तो चैनल सेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं इस तरीके से। क्लियर? ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक कवर प्लेट की हेल्प से कनेक्ट किया, और ये जो कवर प्लेट है, ये आप जो देख पा रहे हो चैनल सेक्शन, सॉरी, ये जो आपने गेंट्री गर्डर देख रहे हो, इस गर्डर के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, एक चैनल सेक्शन रखा हुआ है इस तरीके से कवर प्लेट की फॉर्म में। क्लियर? ये जो चैनल सेक्शन है, ये क्या करेगा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया को बढ़ाएगा मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर मैं देखूंगा इस गेंट्री गर्डर की सेंट्रोइड एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्जिया बढ़ गया इस कवर प्लेट की हेल्प से। इसके अलावा आपने टॉर्जनल बकलिंग भी पढ़ी थी बीम के केस में। टॉर्जनल बकलिंग में क्या होता था कि जो कंप्रेशन फ्लैंज होता था बीम का, वो लेटरली बकल कर जाता था, ठीक है, लेटरली मूवमेंट कर जाता था। तो उस लेटरल मूवमेंट को रोकने के लिए, उस टॉर्जनल बकलिंग को रोकने के लिए भी ये जो आपकी चैनल सेक्शन है, ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि इस चैनल सेक्शन को हम कॉलम के एक एंड से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस गेंट्री गर्डर का जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो मूवमेंट नहीं कर पाता लेटरल डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये जो कवर प्लेट है चैनल सेक्शन की फॉर्म में, ये आपकी गेंट्री गर्डर की लेटरल स्ट्रेंथ या बकलिंग स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। बकलिंग स्ट्रेंथ बोल दो या टॉर्जनल बकलिंग स्ट्रेंथ बोलो, ये प्रॉपर वर्ड है। क्लियर? और दूसरा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाता है। क्लियर? अब देखें, ये गेंट्री गर्डर हो गई जो आपका मेन लोड यहाँ पे ट्रांसफर करेगी। इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, इसके ऊपर एक छोटा रेल लगा हुआ होता है जो व्हील्स को सपोर्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा रेल लगाया हुआ है मैंने इस तरीके से व्हील्स के मूवमेंट के लिए। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया छोटा रेल्स, ये लगा दिया रेल, और इस रेल के ऊपर जो आपके व्हील्स हैं वो क्या कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। तो ये एक व्हील हो गया गैंट्री गर्डर का। क्लियर? इसके बैक साइड में दूसरा होगा, और जो आपकी गैंट्री गर्डर होगी वो इस तरीके से होगी, इस पे सपोर्ट।
इस तरीके से आपकी गैंट्री गर्डर होगी, सेम सेक्शन आपका दूसरी साइड में भी होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखें गैंट्री गर्डर जो होगी आपकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर लिए हुए होगी, एक गर्डर है तो ट्रस की तरीके से ये आपके पास ट्रस हो गया इसका, क्लियर। और कहीं बीच में इस गैंट्री गर्डर में क्या होगा, ट्रॉली होगी, क्लियर, या जिसे अपन कैब बोलते हैं या ट्रॉली बोलते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, एक ट्रॉली होगी इस तरीके से, क्लियर। ये देखिए इस सेक्शन में, इस ट्रस में अंदर भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है, वो डिपेंडेंसी होती है उसकी, क्लियर। यहाँ पे आपका कोई भी जो पर्सन है जो इस गैंट्री गर्डर को ऑपरेट कर रहा है या इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऑपरेट कर रहा है या स्क्रीन को ऑपरेट कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर ट्रॉली को ऑपरेट करेगा और एक इस ट्रॉली से एक हुक आपका लटका हुआ होगा जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, उस वेट को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये जो गैंट्री गर्डर है ना आपकी, ये आपकी अलोंग द एक्स एक्सिस इस तरीके से भी मूवमेंट कर सकती है, क्लियर। ये जो आपकी ट्रॉली है जिसपे वेट लटका हुआ है, ये आपकी अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल दूं या एक्स एक्सिस बोल दूं, इस तरीके से ऐसे भी मूवमेंट कर सकती है, और अलोंग द वाई एक्सिस या जेड एक्सिस जिसको आप बोल सकते हैं, जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में भी क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, क्लियर। तो जहां भी हमें लोड को पुट करने की रिक्वायरमेंट होगी, लोड को हम एक जगह से क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह पे आसानी से रख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए ये हो गया आपके पास गैंट्री गर्डर का एक सेक्शन, ये जो आपके पास है दैट इज द गैंट्री गर्डर, दैट इज द गैंट्री गर्डर जो पूरे की पूरे लोड को क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है। ये यहाँ पे एक चैनल सेक्शन है गैंट्री गर्डर में ही प्रोवाइड करवाया है, और ये है आपके पास रेल। इसका कोई खास यूज नहीं है, बस इसका इसलिए यूज किया गया है कि जो आपके पास इस ट्रस मेंबर के व्हील्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, उनको एक स्मूथ फ्लो या स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करे, इसके लिए यहाँ पे एक रेल को कनेक्ट किया गया है। ये आपकी ट्रॉली है या इसे बोलते हैं अपन कैब, और ये आपका हुक हो गया जिससे वेट को लटका के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे या जो रेलवे के वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे जो वैगन्स होते हैं उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जाता है, वहां भी इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर जिसपे सपोर्ट होती है उस गर्डर को क्या बोलते हैं, गैंट्री गर्डर बोलते हैं। तो ये आपकी गैंट्री गर्डर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, क्लियर ना। ओके, तो ये आपके पास सपोर्ट हो गया और ये साइड में आपका कॉलम हो गया जिसपे पूरा पूरा सपोर्ट आपका टिका हुआ है, क्लियर। तो ये बेसिक है गैंट्री गर्डर का, थोड़ा सा हमने इसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकी चीजें जो है गैंट्री गर्डर की वो हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे डिस्कस करते जाएंगे, क्लियर ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, द गिवन फिगर शोज अ टिपिकल सेक्शन ऑफ क्रेन गर्डर। क्रेन गर्डर बोल दो या गैंट्री गर्डर बोल दो, क्रेन में जो गर्डर यूजली जाती है वो गैंट्री गर्डर ही होती है, ठीक है, क्लियर। तो द गिवन फिगर शोज अ टिपिकल सेक्शन ऑफ क्रेन गर्डर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। तो आपको एक लाइन बताई हुई है, द फंक्शन ऑफ द टॉप चैनल इज, जो आपके पास टॉप चैनल लगाई गई है इस गैंट्री गर्डर में उसका क्या फंक्शन है। देखो इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी, क्लियर। तो देखें यहाँ पे आप पहला है आपका कि इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो जायज बात है, क्लियर। आप कोई भी एक्सिस यहाँ पे कंसिडर कर लो इस पर्टिकुलर सेक्शन की या इस गैंट्री गर्डर की सीजी के रेस्पेक्ट में, कोई भी आप क्या कर लो एक्सिस कंसिडर कर लो, तो अगर मैंने एडिशनल कवर प्लेट प्रोवाइड की है तो जायज तौर पे कह सकता हूं कि यहाँ पे आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वो इस कवर प्लेट की हेल्प से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कवर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया जब आप इसकी सेंट्रोइड एक्सिस पे ट्रांसफर करोगे, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है उसको इंक्रीज कर देती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो ये आपका सही हो गया। दूसरा देखें, रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिड्यूस तो होगा ही नहीं अगर आपने एडिशनल सेक्शन प्रोवाइड करवाया है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। थर्ड है आपका इंक्रीज द टॉर्जनल स्टिफनेस, बिल्कुल करेगी, क्योंकि जो आपका कंप्रेशन फ्लेंज है जिसके लेटरल मूवमेंट की वजह से टॉर्जनल बकलिंग होती थी, उस कंप्रेशन फ्लेंज को इसने क्या कर दिया, रोक दिया। जायज बात है, आप अगर ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, आपके सर पे अगर 50 किलो का वजन रख दिया जाए तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे आसानी से, क्लियर। तो उसी तरीके से इसके यहाँ पे हुआ है। और दूसरा काम क्या किया जाता है, यहाँ पे जो कॉलम है उससे इस पर्टिकुलर चैनल को कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि कंप्रेशन फ्लेंज जो है
आपके इस पर्टिकुलर गर्डर का वो लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वहां पे टॉर्जनल बकलिंग नहीं होगी, तो जायज बात है कि उसकी जो टॉर्जनल स्टिफनेस है वो क्या हो गई, वहां पे इंक्रीज हो गई। स्टिफनेस क्या होती है? बकलिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को स्टिफनेस बोलते हैं। तो जो टॉर्जनल स्टिफनेस है या टॉर्जनल बकलिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो जो आपके पास स्टेटमेंट थर्ड है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है आपके पास इंक्रीज द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ दीज स्टेटमेंट ऑफ दीज स्टेटमेंट अरे इंक्रीज लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ गर्डर, वर्ड ऐसा होगा, क्लियर ना। तो यहाँ पे आपकी लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। ये बात तो हमने बहुत पहले से समझ ली थी, कॉलम में भी समझी, बीम में भी समझी। क्यों? क्योंकि भैया जो आपकी बकलिंग एक्सिस है या जो आपकी माइनर एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में भी तो इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाया है ना, क्लियर। तो इसकी जो बकलिंग स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या करेगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो वन थर्ड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में, एक चार दो तीन एक चार, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंट्री गर्डर कैन बी डिजाइन एज, गैंट्री गर्डर को किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। तो यहां पे आपकी डिजाइनिंग पूछ रहा है कि डिजाइनिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो देखो, एज लेटरली सपोर्टेड बीम और एज लेटरली अनसपोर्टेड बीम और बाय यूजिंग चैनल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे डिजाइन का तरीका पूछा गया ना कि डिजाइन किस बीम की हेल्प से करेंगे या किस बीम की तरह करेंगे। तो मैक्सिमम केसेस में जो आपकी गैंट्री गर्डर होती है वो लेटरली सपोर्टेड होती है, जो चैनल सेक्शन आपने लगाया हुआ है, जो शियर कीज आपने लगाई हुई है उनकी हेल्प से उसको लेटरली सपोर्ट हमने प्रोवाइड कर दिया, क्लियर। लेकिन अगर लोड बहुत ज्यादा नहीं है, गैंट्री गर्डर छोटे काम में यूज ली जा रही है, तो लेटरली अनसपोर्टेड बीम की तरह भी उसको बिहेव या जो गर्डर है उसको लेटरली सपोर्ट ना भी किया जाए, क्लियर। ओके, तो लेटरली सपोर्टेड बीम की तरह भी हम डिजाइन कर सकते हैं, लेटरली अनसपोर्टेड बीम की तरह भी हम डिजाइन कर सकते हैं। वन और टू दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस लेटरली सपोर्टेड बीम ही होती है, क्योंकि हम एक जो कवर प्लेट प्रोवाइड करवा रहे हैं चैनल के हेल्प से या किसी भी दूसरे तरीके से, दो एंगल भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आई सेक्शन है तो चैनल हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, दो एंगल सेक्शन भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, और भी तरीके होते हैं, कई तरह के सेक्शन बनाए जा सकते हैं एंट्री गर्डर के। तो इसको लेटरली सपोर्टेड और अनसपोर्टेड दोनों तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्ट प्रोबेबली इसको लेटरली सपोर्टेड बीम की तरह ही डिजाइन करते हैं। लेकिन ये गलत नहीं है कि लेटरली अनसपोर्टेड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन दो भी आपका सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, अगला देखिए आप लोग, यहां पे पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर द सिंपली सपोर्टेड गैंट्री गर्डर। आपके पास चार अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है कि इनमें से सबसे बढ़िया सेक्शन कौन सा होगा आपका, ठीक है। तो देखो, चारों को हम बना लेते हैं। पहला है आपके पास आई सेक्शन विद इक्वल फ्लैंज, तो मैं बना देता हूं इसको। ये इक्वल फ्लैंज का मैंने एक आई सेक्शन बना दिया, ये ए में बोला हुआ है, ठीक है, क्लियर। आपका बी है आई सेक्शन विद अ चैनल अटैच टू द टॉप फ्लैंज, तो ये मैंने बनाया आई सेक्शन है, इसको एक इसका जो टॉप फ्लैंज है उस पर मैंने एक क्या लगाया हुआ है, चैनल सेक्शन लगाया हुआ है, ये लो भैया। थर्ड है मेरे पास आई सेक्शन विद अ वाइड बॉटम फ्लैंज, तो इसको बना देते हैं। एक कोई आई सेक्शन है जिसका बॉटम फ्लैंज जो है वो कुछ ज्यादा वाइड है, ये लो, ठीक है ना, एज कंपेयर टू टॉप फ्लैंज, क्लियर। चौथा जो ऑप्शन है आपके पास दैट इज आई सेक्शन विद अ हैवी प्लेट कनेक्टेड टू द बॉटम फ्लैंज, तो बॉटम फ्लैंज से क्या किया हुआ है, एक हैवी प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है, कर देते हैं हैवी प्लेट कनेक्ट यहाँ पे, ये लो। अब हमें बोला गया है कि इनमें से आप बताओ कि कौन सा यहाँ पे सबसे सही होगा हमारे पास, ठीक है, देखा जाए। देखो, पहली बात, आपके पास चार ऑप्शन है, इसको मैंने बोला ए, ये है आपके पास बी, ये है आपके पास सी, ये है आपके पास डी, क्लियर ना।
तो यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि भैया सबसे बढ़िया कौन सा होगा इनमें से। तो देखो जायज बात है, जब मैं एंट्री गर्डर की डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास दो यहाँ पे केसेज हैं, या दो मेरे पास कुछ कंसर्न है जिसको मुझे कंसीडर करना है डिजाइन में। पहली बात तो कि गैंट्री गर्डर का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होना चाहिए मेजर और माइनर या बकलिंग एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो ज्यादा होना चाहिए ताकि उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हो। दूसरा, उसका जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसको लेटरल मोमेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, जिससे उसमें लेटरल टॉर्जनल बकलिंग ना हो। ठीक है, तो देखो पहले केस में तो आपके पास कोई भी कवर प्लेट प्रोवाइड नहीं की, तो कवर प्लेट अगर प्रोवाइड नहीं है तो जायज तौर से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है वो कमी होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में कवर प्लेट प्रोवाइडेड है, बी में भी की हुई है चैनल की हेल्प से, डी में भी की हुई है, तो मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्जिया को बढ़ाएंगी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्जिया बढ़ाएंगी तो बी और डी ए और सी के रेस्पेक्ट में तो वैसे ही ज्यादा बेटर है। तो ए और सी तो आपका यहीं खत्म होता है, इनकी रामायण यहीं खत्म करते हैं, आगे अपन बात करते हैं बी और डी के रेस्पेक्ट में बस। अब बी में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चैनल सेक्शन है, डी में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक प्लेट सेक्शन है या हैवी प्लेट सेक्शन है, मतलब बड़ी साइज का प्लेट सेक्शन लगाया गया है। ठीक है, अगर आप अब देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वो दोनों केसेस में ही बढ़ेगा, यहाँ पे चैनल की हेल्प से बढ़ेगा एक्सिस पे, यहाँ पे प्लेट की हेल्प से एक्सिस पे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि भैया यहाँ पे फिर भी आपका बी ज्यादा बेटर है। क्यों है? क्योंकि आपकी जो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन डी में कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड है। अगर इसी प्लेट को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता, इसकी टॉप एक्सिस पे या इसकी टॉप फ्लेंज पे प्रोवाइड करता तो ये ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसका लेटरल मूवमेंट ये रोक पाती कवर प्लेट, लेकिन अभी तो बॉटम फ्लेंज पे उसको प्रोवाइड किया है। क्लियर? और बॉटम फ्लेंज पे उसको प्रोवाइड किया है तो उसका सिवाय एक बियरिंग के काम कोई नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी बॉटम फ्लेंज पे प्लेट जो लगी हुई है वो एज अ बियरिंग प्लेट वर्क करेगी, कोई बहुत ज्यादा यूज उसका नहीं रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे बी ऑप्शन में चैनल सेक्शन आपका लगाया हुआ है, ये आपका क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्जिया को भी बढ़ाएगा, और इस पर्टिकुलर केस में इसकी जो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग है या लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जायज तौर पे आपका ये वाला केस सबसे सही रहेगा जिसमें टॉप फ्लेंज पे चैनल सेक्शन को अटैच किया हुआ है। तो आई सेक्शन विद अ चैनल अटैच टू द टॉप फ्लेंज, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास कि आपकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है गेंट्री गर्डर में वो कितना होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की लिमिट्स पूछी गई है गेंट्री गर्डर के केस में, तो वो बताइए आप लोग कितना होता है। ठीक है, तो देखो आपके पास जो गेंट्री गर्डर है वो कुछ इलेक्ट्रिकली ऑपरेट भी हो सकती है, कोई जो है वो मैनुअली ऑपरेटेड भी हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है उनकी भी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कई बहुत ज्यादा कैपेसिटी की गर्डर होंगी, कई बहुत कम कैपेसिटी की गर्डर होंगी। ठीक है, तो उन सभी के लिए आपके पास जो केस है वो अलग अलग दिए हैं, या परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो है वहां पे अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 का आप आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको नहीं बताया गया है कि कौन सा केस है। ठीक है ना, क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कि आप अगर यहाँ पे देखें तो मैं एक बार सबके लिए लिख देता हूँ कि आपके पास डिफ्लेक्शन कितने कितने होते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हैंड ऑपरेटेड क्रेन जो होती है, हैंड ऑपरेटेड क्रेन जो होती हैं उनके लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आपका एल बाय 500। ठीक है ना, क्लियर? हाँ, मैनुअली ऑपरेटेड बोल दो या हैंड ऑपरेटेड बोल दो, एक ही बात है। मैनुअली ऑपरेटेड बोल दिया जाए या हैंड ऑपरेटेड बोल दिया जाए, एक ही बात है भैया। अगला आपके बात किया जाए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गर्डर के बारे में, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गर्डर के बारे में, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गर्डर में भी आपके दो केस बन सकते हैं। पहला होता है आपके पास जब कैपेसिटी आपकी लेस देन 500 किलो न्यूटन के हो, तो इस केस में जो आपका डिफ्लेक्शन होता है या परमिसिबल डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आपका एल बाय 750। और अगर कैपेसिटी आपकी 500
किलो न्यूटन से ज्यादा हो उस केस में आपके पास जो केस बनता है या परमिसिबल डिफ्लेक्शन की लिमिट जो होती है दैट इज 1000, क्लियर ना। और इसके अलावा जो और पार्ट होते हैं जैसे चार्जिंग कार होती है, जैसे आपके पास और छोटे मोटे जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं, वहां पे जो मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आपका एल बाय 500, ठीक है ना। अब ये आपके पास केस है, ये आपके पास परमिसिबल डिफ्लेक्शन है गैंट्री गर्डर में अलग अलग केसेज में, अलग अलग केसेज में लाइक मैनुअली ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि भैया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए, तो अब बताना ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। आपको मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट बताई या पूछी जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताना चाहिए था कि आपका केस कौन सा है, हैंड ऑपरेटेड है या मैनुअली ऑपरेटेड, क्लियर। क्योंकि हर केस में जो आपके पास लिमिट है दैट इज डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है कि आपके पास एंट्री गर्डर में नहीं बताया हुआ है कि हैंड ऑपरेटेड है या मैनुअली ऑपरेटेड है या सॉरी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो अगर मैं कॉमन बात करूं तो कॉमन जो आपके पास एंट्री गर्डर होती है या क्रेन गर्डर होती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो आपके पास क्रेन गर्डर होंगी वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही होंगी, हैंड ऑपरेटेड गर्डर जनरली नहीं होती या बहुत स्मॉल स्केल पे यूज ली जाती है, क्लियर ना। तो हाँ इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अगर आपके पास ऐसा केस फंसे, क्योंकि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर माना था वो ऑप्शन सी माना था, ठीक है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि 100% सही है, क्योंकि एग्जैक्टली कंडीशन दी हुई है आपके पास नहीं है, तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकता, क्योंकि ऑप्शन तो सारे ही सही है यहाँ पे, ए बी सी डी, ए तो नहीं है, खैर बी सी डी तो तीनों ही सही है, क्लियर है ना। लेकिन आपके पास जो मैक्सिमम केसेस में गर्डर होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हैं, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में भी अगर कैपेसिटी में देखूं कि 500 किलो न्यूटन से ज्यादा ही होती है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे गर्डर्स का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे 1/1000 इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता इन तीन केसेस में देख के या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशंस को देख के, यहाँ पे 1/1000 आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि थोड़ा अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं तो आपके पास जो गर्डर होती हैं, जो क्रेन गर्डर होती हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही होती हैं, कैपेसिटी उनकी काफी ज्यादा होती है, दैट मीन्स 500 किलोन्यूटन से तो ज्यादा ही होती है, ठीक है। 500 किलोन्यूटन कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है ना, क्लियर, गर्डर के बारे में सोचा जाए तो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखें जरा क्वेश्चन नंबर अगला, फिगर शोज अ टिपिकल सेक्शन ऑफ क्रेन गर्डर, तो फिगर तो नहीं है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड, क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है पर चलो कोई नहीं, पर ये क्वेश्चन वही है जो हमने पहला पहला क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे क्रेन गर्डर का सेक्शन दिया हुआ होगा आपको इस तरीके का, यहाँ पे कुछ कवर प्लेट लगाई हुई होगी, मान लीजिए चैनल सेक्शन से कवर प्लेट लगाई हुई है, और इसके बारे में पूछा हुआ है इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस करता है, रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्सिया नहीं करता, इंक्रीज टॉर्सनल स्टिफनेस होती है, इंक्रीज लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, कोई बात नहीं। 1/3/4 यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये रिपीट हुआ है, पहला पहला क्वेश्चन अपना यही था, मैंने समझाया भी था इसको डिटेल में, कोई दिक्कत है इसमें। आगे चलते हैं भैया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जरा देखें। द गर्डर्स हैविंग टू और मोर देन टू वेब आर नोन एज, क्लियर। अगर किसी गर्डर में एक से ज्यादा वेब प्रेजेंट हैं, तो उस तरह की गर्डर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इस तरह की गर्डर भी आपके पास होती हैं जहां पे दो आई सेक्शन इस तरीके से लगे हुए होते हैं, एक आई सेक्शन ये लगाया हुआ, इसके पड़ोस में एक और दूसरा इस तरीके से लगा दिया गया है, और इन दोनों को कवर प्लेट की हेल्प से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। हाँ तो यहां पे दोनों को क्या कर दिया गया, कवर प्लेट की हेल्प से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह की जो गर्डर होती है ना, इन गर्डर्स को बोला जाता है बॉक्स गर्डर, इन्हें बोलते हैं बॉक्स गर्डर, ठीक है, तो ये तो याद ही रख लेना। और बॉक्स जैसा ही, डब्बा जैसा ही दिख रहा है एक गर्डर भी आपको, जैसी बात है इसको बोला जाता है बॉक्स गर्डर।
ऐसी गर्डर जिनमें एक से ज्यादा वेब प्रेजेंट हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, तो ये ऐसी भी हो सकती है। हो सकता है इसके नीचे दो आई सेक्शन और लगा दिए हो कवर प्लेट के, अलग से चार वेब हो जाएं। हो सकता है एक और लगा दिया हो इसके पड़ोस में, तीन वेब हो जाएं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो गर्डर होती है इनको बॉक्स गर्डर बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ गर्डर या कॉम्बिनेशन ऑफ बीम जो होता है वो बॉक्स गर्डर कहलाता है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन है आपके पास, द इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज डिफाइन एज। देखो मैंने पहले पहले ही बताया था जब स्टील के क्वेश्चन अपन चालू कर रहे थे कि भैया आपके पास डिजाइन में दो कंसर्न होते हैं। एक कंसर्न होता है आपके पास कि आप सेफ्टी प्रोवाइड करो, ठीक है, और सेफ्टी प्रोवाइड जब हो जाए उसके बाद आप क्या करो उसमें इकोनॉमी पे ध्यान दो, ठीक है। अब स्टील की जो इकोनॉमी होगी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे रहेगी, उसके वेट पे, क्लियर। स्टील की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली डिपेंड है उसके वेट पे। आप जितनी ज्यादा थिकनेस प्रोवाइड करवाओगे उतना ज्यादा उसका वेट होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी, क्लियर। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बताओ इकोनॉमिकल डेप्थ क्या है, ठीक है। इकोनॉमिकल डेप्थ क्या है, इसका मतलब जायज बात है अगर यहाँ पे इकोनॉमिकल कंसर्न देखा जा रहा है तो वो सेक्शन होना चाहिए जो मिनिमम वेट प्रोवाइड करे जिससे कि उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम आए, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लो यहाँ पे, डेप्थ बिटवीन आउटर ऑफ फ्लैंज, ये कोई मतलब नहीं हुआ, ये क्लियर डेप्थ बता रहा है। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल लेग्स ऑफ फ्लैंज एंगल एंड द टॉप एंड द बॉटम, ये तो आपकी ओवरऑल डेप्थ हो गई, ये आपकी क्लियर डेप्थ हो गई। डेप्थ विच गिव्स मिनिमम वेट ऑफ प्लेट गर्डर, तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम वेट दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वो आपकी इकोनॉमिकल डेप्थ कहलाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज गिवन बाय। प्लेट गर्डर के केस में जो आपकी इकोनॉमिकल डेप्थ जो हमने अभी डिस्कस करी थी, जो क्या देती है, मिनिमम वेट प्रोवाइड करती है प्लेट गर्डर का, वो कितनी होनी चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे पता ही होगा आपको ये कितनी होती है, 1.1 अंडर रूट एम बाय सिग्मा टीडब्ल्यू होती है, डायरेक्टली कोडल प्रोविजन से याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है पर इसका, ठीक है ना, इकोनॉमिकल डेप्थ का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो कितनी होती है ये आपकी रिवेट के केस में होती है, बोल्ट के केस में होती है, रिवेट के केस में होती है, ठीक है ना, 1.1 अंडर रूट एम बाय सिग्मा टीडब्ल्यू। यहाँ पे जो सिग्मा है आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस है और टीडब्ल्यू जो है आपके पास क्या है, टीडब्ल्यू है यहाँ पे, दैट इज द थिकनेस ऑफ वेब, क्लियर। अगर मैं कंसिडर करूं वेल्ड के केस में, तो वेल्ड के केस में जो आपकी इकोनॉमिकल डेप्थ होती है वो होती है 5.3 अंडर रूट एम बाय परमिसिबल स्ट्रेस इनटू टीडब्ल्यू, ये होती है वेल्ड के केस में, ठीक है ना, वो भी याद रखना। ये आपके पास ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये पूछा किस में है आपसे, रिवेट के केस में पूछा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भैया, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है, व्हाइल डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गैंट्री गर्डर द एडिशनल लोड ऑफ इतना ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वर्टिकल लोड ट्रांसफर टू रेल। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गैंट्री गर्डर होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गैंट्री गर्डर में आपके पर्टिकुलर गैंट्री गर्डर में चार व्हील होते हैं, सामान्यता अगर देखा जाए तो चार व्हील होते हैं, किसी एक व्हील का लोड ले लो, ठीक है, उसमें किसकी वजह से आपके जो इम्पैक्ट आ रहा है, आपका जो यहाँ पे लोड के मूवमेंट की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, उस इम्पैक्ट के लिए कितना परसेंट लोड क्या लिया जाएगा, यूज लिया जाएगा वर्टिकल लोड की कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो ये भी अगेन आपका जो है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रेन की टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल लोड की ही बात करूं, जो आपके पास वर्टिकल लोड की कैलकुलेशन है उसमें अगर देखा जाए तो हैंड ऑपरेटेड गर्डर जो होती हैं या हैंड ऑपरेटेड क्रेन जो होती हैं, ठीक है ना, हैंड ऑपरेटेड क्रेन जो होती हैं आपके पास, वहां पे जो इम्पैक्ट फैक्टर लिया जाता है वो लिया जाता है 10%, ठीक है। ये एक्चुअली इम्पैक्ट फैक्टर कहलाता है क्योंकि इम्पैक्ट की वजह से एडिशनल लोड काउंट करते हैं अपन, ठीक है, एडिशनल लोड एड करते हैं,
क्लियर। तो अगर आपके पास वर्टिकल लोड की कैलकुलेशन की जा रही है, तो उसमें जो आपके पास इंपैक्ट फैक्टर होगा वो भैया देखो, हैंड ऑपरेटेड गर्डर जो होती हैं, हैंड ऑपरेटेड गर्डर्स जो होती हैं आपके पास, या हैंड ऑपरेटेड क्रेन जो होती हैं, उनके लिए इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू होती है 10%, और आपकी जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गर्डर्स जो होती हैं उनके लिए इम्पैक्ट फैक्टर होता है आपका 25%। क्लियर। और ये 10% और 25% कितना किसका होता है, जो आपका व्हील लोड है उसका 10% और 25% लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, व्हाइल डिजाइनिंग द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गैंट्री गर्डर, तो इलेक्ट्रिक के बारे में पूछ रहा है, एडिशनल लोड ऑफ 25% इलेक्ट्रिकली की बात कर रहा है ना, और वर्टिकल लोड की ट्रांसफर या वर्टिकल लोड की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना लिया जाएगा, दैट इज 25% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड। क्लियर ना। तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, 25%, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो ये वर्टिकल लोड के लिए है, अगर मैं हॉरिजेंटल लोड की कैलकुलेशन करूं तो हॉरिजेंटल लोड के लिए भी इंपैक्ट फैक्टर को कंसीडर करते हैं, वो हैंड ऑपरेटेड क्रेन के लिए होता है आपका 5% और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन के लिए होता है 10%, ठीक है। अगर आपसे हॉरिजेंटल लोड की कैलकुलेशन के लिए पूछा जाता, या जो आपके पास हॉरिजेंटल लोड ट्रांसफर हो रहा है रेल्स पे उनके बारे में पूछा जाता, तो इंपैक्ट फैक्टर हैंड ऑपरेटेड के लिए 5% और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड के लिए 10% होता, वर्टिकल के लिए 10 और 25 होता है, ठीक है भैया। ये हो गई बात अपने इंपैक्ट फैक्टर की, कैलकुलेशन जब की जाती है तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज लिमिटेड टू, तो प्लेट गर्डर के केस में देखो, एक क्वेश्चन प्लेट गर्डर का यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जो प्लेट गर्डर के केस में वर्टिकल स्टिफनर्स लगाए हुए होते हैं उनकी जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, देखो ये याद रखना आप लोग, आपको शायद तक पता भी हो कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग या स्पेसिंग की जो रेंज होती है वर्टिकल स्टिफनर्स में वो होती है 0.332 1.5 टाइम्स ऑफ डी, क्लियर। और डी जो होता है यहाँ पे क्लियर डेप्थ होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे मिनिमम पूछी है, मैक्सिमम आपसे मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी आपकी, 1.5 टाइम्स ऑफ क्लियर डेप्थ होगी, मिनिमम पूछता तो 0.33 टाइम्स ऑफ क्लियर डेप्थ होगी, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल स्टिफनर्स की स्पेसिंग होती है एज पर प्रोविजन, तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पूछी गई है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास, देखो जरा, अ क्रेन विद टू व्हील पर साइड, एक साइड में दो व्हील है उसके, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हैज अ कैपेसिटी ऑफ 50 किलो न्यूटन। कैपेसिटी का मतलब वहां पे जो आपके पास लोड है जो ट्रांसफर किया जा रहा है उस ट्रॉली या क्रेव की हेल्प से, वो आपके पास 50 किलो न्यूटन है। वेट ऑफ द क्रेन इज 100 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे वेट जो है क्रेन का वो 100 किलो न्यूटन है। वेट ऑफ द ट्रॉली इज 100 किलो न्यूटन एंड द स्पान इज 12 मीटर। द मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड विद हुक क्लियरेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द व्हील इज, ठीक है। तो देखो आपसे स्टैटिक व्हील लोड पूछा हुआ है और आपको हुक क्लियरेंस बताया हुआ है 1 मीटर। हुक क्लियरेंस का मतलब होता है कि आपके एक एंड से जो हुक की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। देखो मैं यहाँ पे एक बार क्रेन बनाता हूँ, देखो क्रेन जो होती है आपकी कुछ इस तरह की होती है, क्रेन का जो ट्रस पार्ट होता है वो इस तरह का होता है, यहाँ पे आपके पास व्हील लगे हुए होते हैं, ये एक व्हील लग रहा है, ये दो व्हील लग रहे, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे इसके बैक साइड में भी एक व्हील होगा, मतलब टोटल 2 व्हील इधर है, टोटल 2 व्हील इधर है, ये बताया भी हुआ है आपको। अ क्रेन विद 2 व्हील्स पर साइड, तो एक साइड में 2 व्हील्स, उधर साइड में भी 2 व्हील्स उसके, ठीक है ना, क्लियर। इस क्रेन का जो स्पान है, स्पान आपको बताया हुआ है, ये है आपके पास 12 मीटर, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे सेल्फ वेट है इसका, मैं इसको सेल्फ वेट को इधर लिख देता हूँ, इसका जो सेल्फ वेट है वो है आपके पास 100 किलो न्यूटन टोटल ट्रस मेंबर का या टोटल क्रेन मेंबर का।
आगे आपको दिया हुआ है कि जो यहाँ पे ट्रॉली है उसका वेट है 10 किलो न्यूटन और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। और हुक क्लियरेंस आपको दी हुई है 1 मीटर। हुक क्लियरेंस का मतलब है कि आपके इस एंड से जहाँ पे आपका हुक प्रेजेंट है और जहाँ पे आपकी ट्रॉली प्रेजेंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। क्लियर, मतलब हमें इस पॉइंट पे लोड अभी लगा हुआ दिख रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे जो आपके पास लोड है वो कितना है, ये आपके पास 50 किलो न्यूटन है। और इस पर्टिकुलर कैब का या इस पर्टिकुलर ट्रॉली का जो सेल्फ वेट है वो कितना है, 10 किलो न्यूटन है। बात समझ में आई? क्लियर, तो आपके पास इस पर्टिकुलर केस में टोटल वेट कितना इस पे लटका हुआ है, तो 10 + 50 60 किलो न्यूटन लोड इस पर्टिकुलर मेंबर में, इस पर्टिकुलर क्रेन में इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, क्रेन जो होती है आपकी सिंपली सपोर्टेड होती है, मैं इसको एज अ बीम बना देता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। देखो, इसको बोल देता हूँ मैं पॉइंट ए, इसका एक एंड हो गया, पॉइंट बी इसका दूसरा एंड हो गया, और पॉइंट सी जहाँ पे आपके पास वेट लग रहा है। क्लियर, तो ये इसको मैं एक बीम की तरह बनाता हूँ, ये आपके पास बीम हो गई, इधर सपोर्टेड। क्लियर, और एक इस पॉइंट को बोला मैंने ए, इस पॉइंट को बोला मैंने बी, ये हो गया टोटल आपका 12 मीटर। और यहाँ पे आपके पास एक डाउनवर्ड लोडिंग लग रही है और वो कितनी है आपके पास, 60 किलो न्यूटन की है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये जो एंड है इसके उन पे जो व्हील लगे हुए हैं उन पे कितना लोड आ रहा होगा, एक व्हील पे। अगर मुझे ए पॉइंट पे व्हील्स पे लोड निकालना है तो जायज बात है मुझे ए पॉइंट पे रिएक्शन निकालना होगा, तो मैं इस रिएक्शन को बोल देता हूँ आर ए, इस रिएक्शन को बोल देता हूँ आर बी, ठीक है। मुझे इन रिएक्शंस को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर, हुक क्लियरेंस आपको जो बताया हुआ है दैट इज 1 मीटर, और इधर वाला जो होगा जायज बात है कितना हो जाएगा, 11 मीटर। तो मुझे सीधी सीधी बात है, मुझे आर ए की कैलकुलेशन करनी है, मुझे यहाँ पे ए पॉइंट पे रिएक्शन निकालना है। तो अब इतना आसान सा क्वेश्चन निकालो जरा। देखो, सबसे पहले तो आपके पास आर ए प्लस आर बी 60 हो जाएगा, मुझे एक की कैलकुलेशन करनी है ना आर ए की। मैं बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उठाता हूँ मूवमेंट, बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट उठाऊंगा, तो आर ए इंटू 12 जो इसकी डिस्टेंस है इक्वल टू 60 इंटू कितना, 60 इंटू बी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 11। तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट इज 60 / 12 × 11 कितना आया, ये 5 बार चला जाएगा ना, हाँ ये 5 बार चला जाएगा। आर ए की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 55 किलो न्यूटन। तो ये आ गई आर ए की वैल्यू 55 किलो न्यूटन। अब आर ए दैट मीन्स जो ए एंड पे आपके पास दो व्हील्स हैं उन पे कितना लोड आ रहा है, वो आ रहा है 55 किलो न्यूटन। यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि एक साइड में दो व्हील्स हैं, अपने को एक व्हील का निकालना है, तो दो व्हील पे अगर 55 किलो न्यूटन है तो मैं कह सकता हूँ लोड ऑन सिंगल व्हील्स तो कितना हो जाएगा, एक साइड में अगर दो व्हील लगे हुए हैं तो दोनों व्हील को डिवाइड कर दो, एक का आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपके पास 27.5 किलो न्यूटन। तो ये तो आपके पास जो कैपेसिटी है और जो ट्रेन जो आपके पास कैब या जो आपकी ट्रॉली है उसके वेट की वजह से एक व्हील पे इतना लोड आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें सेल्फ वेट भी दिया हुआ है स्क्रीन गर्डर का, सेल्फ वेट को अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। क्लियर, अगर आप चाहते तो इस सेल्फ वेट को सेंट्रोइड से मान सकते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान तरीका यह है कि भाई यहाँ पे जो इस क्रेन का सेल्फ वेट है, जाहिर सी बात है पूरे सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर ना, पूरे सेक्शन पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, जो एक साइड में आपके दो व्हील लगे हुए हैं, दो व्हील इधर सपोर्ट कर रहे हैं, दो व्हील इधर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जायज बात है कि चारों के चारों व्हील्स पे उसकी वजह से जो लोड आ रहा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका सेल्फ वेट है वो 100 किलो न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर मैं कहूं स्टैटिक व्हील लोड ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से स्टैटिक व्हील लोड कितना हो जाएगा भैया, टोटल इसका सेल्फ वेट है 100 किलो न्यूटन, इसको चार व्हील सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 किलो न्यूटन। अब देखो, एक व्हील पे आपके पास लोड आ गया, पहला जो आपके पास कैपेसिटी थी जो क्रैब की वेट थी उसकी वजह से तो आ रहा था 27.5 किलो न्यूटन, और जो सेल्फ वेट है क्रेन का उसकी वजह से वहां पे आ रहा है 25 किलो न्यूटन। यहाँ पे आप अगर इस पे टोटल स्टैटिक वेट निकालो एक व्हील पे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं दैट इज टोटल स्टैटिक लोड ऑन ईच व्हील
तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 27.5 प्लस 25 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 52.5 किलो न्यूटन। देख लो ऑप्शन कोई ना कोई तो मिट जाएगा, 52.5 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो गया, क्लियर। देखो यहाँ पे आपको स्टैटिक व्हील लोड का पूछा है, स्टैटिक व्हील लोड दैट मीन्स बिना इंपैक्ट फैक्टर को कंसीडर किए हुए हमें लोड बताना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपैक्ट फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। स्टैटिक का मतलब ही यही है, क्लियर, कि इंपैक्ट फैक्टर वहां पे कंसीडर नहीं किया है, अगर इंपैक्ट फैक्टर कर लूंगा तो वो डायनेमिक हो जाएगा, क्लियर ना, ओके। तो स्टैटिक व्हील लोड निकालना था, जो आपके पास जो वेट लग रहे हैं, जो सेल्फ वेट है क्रेन का, उसकी वजह से जो लोड लग रहा है वो मैंने आसानी से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया, किसी को समस्या हो तो बताओ उसमें, अदरवाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज अ मोनोरेल क्रेन रन ऑन अ आई सेक्शन ऑफ स्पान 6 मीटर विच इज सिंपली सपोर्टेड, एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन फॉर क्रेन कैपेसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन, क्रैब वेट ऑफ 4 किलो न्यूटन, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 25% एंड ई आई वैल्यू इज 10×10^12 न्यूटन पर mm². आपसे पूछा है कि डिफ्लेक्शन बताओ सेल्फ वेट की वजह, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आपके पास जो इसका स्पान है एल, वो दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन, सॉरी स्पान तो मीटर में होगा ना, यह आपके पास दिया हुआ है 6 मीटर, क्लियर। आगे आपके पास पूछा गया है कि यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर जो है आपका That is 25% बताया हुआ है, इम्पैक्ट फैक्टर 25% है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है जिसकी, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे आप आगे देखें, आगे देखोगे तो आपके पास जो ई आई वैल्यू दी हुई है, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का प्रोडक्ट, वो दिया हुआ है 10×10^12 न्यूटन इंटू mm². आगे आपके पास जो बाकी चीजें दी हुई हैं कि भैया आपके पास क्रेन कैपेसिटी कितनी है, तो क्रेन कैपेसिटी है आपके पास कितनी, 20 किलो न्यूटन, और जो आपके पास वेट है क्रैब का वो है 4 किलो न्यूटन, ठीक है, क्लियर ना। और आपके पास इंपैक्ट फैक्टर दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। अच्छा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टेड, पता नहीं कहाँ निकाल लेते हैं क्वेश्चन में टाइप। देखो जरा, स्पान हमें दिया हुआ है, हमें इंपैक्ट फैक्टर दिया हुआ है, हमें ईआई दिया हुआ है, हमसे कैसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछा गया है, हमसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन पूछा गया है, और हमें बोला हुआ है कि जो आपके पास क्रेन है वो किस तरह की है, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड में डिफ्लेक्शन कितना होता है भैया, ये होता है PL³/48EI, सिंपल सिंपल। ईआई की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, स्पान जो है 6 मीटर हमें प्रोवाइडेड है, जो लोड है आपका वो हमें दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इम्पैक्ट फैक्टर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जायज बात है, क्योंकि आपका इम्पैक्ट फैक्टर अगर दिया हुआ है तो इम्पैक्ट फैक्टर को आप कंसिडर करोगे, ठीक है, बात समझ में आई, इम्पैक्ट फैक्टर को आप कंसिडर करके चलोगे, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लोड आपका कितना हो गया, 24 हो गया, इंपैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो 1.25×24 किलो न्यूटन में, इसलिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्पान आपका कितना है, 6 मीटर है, mm में लिख देता हूँ, 6000 mm हो गया इसका क्यूब, डिवाइड बाय 48, और ei की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज 10×10^12। आप इसको सोल्व करोगे आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब दूसरी बात, वो आपका जो डिफ्लेक्शन आता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अब आपको क्या पता सर कौन सी है यहाँ पे क्रेन, ठीक है, तो देखो इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे 25% लिया गया है, तो 25% इम्पैक्ट फैक्टर किसके केस में होता है, जब आपकी क्रेन हो उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, आपके पास मैकेनिकली ऑपरेटेड क्रेन हो, 25% का मतलब है कि मैकेनिकली ऑपरेटेड क्रेन है आपके पास या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है, क्लियर, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन में आपके पास जो कैपेसिटी है वो बताई हुई है 20 किलो न्यूटन है, दैट मींस कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 500 किलो न्यूटन से कम है, उस केस में आपके पास जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन होता है वो L/750 होता है,
तो जो आप कैलकुलेट करो वहां पे कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा होता है तो हम उसको क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे इस वैल्यू के लिए, क्लियर ना। ये अभी डिफ्लेक्शन आपको बताए थे कि अगर कैपेसिटी 500 किलो न्यूटन से ज्यादा है तो उस केस में तो होता है आपके पास एल बाय 1000, और अगर कम है तो एल बाय 750। स्पान हमें यहाँ पे पता है 6000 mm है, तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देख लो ना कितना होना चाहिए, दैट इज 750। ये गया इधर, ये 25, ये 5 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, ये 2 और कितना कुछ आ जाएगा, मतलब यहाँ क्लियर। तो ये गैंट्री गर्डर के जो क्वेश्चंस थे, लगभग लगभग सारे जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के, वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं। लोड की कैलकुलेशन भी हमने कर ली, डिफ्लेक्शन भी हमने देख लिया, इंपैक्ट फैक्टर भी हमने देख लिए, डिफ्लेक्शन भी हमने देख लिए, और जो सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन कंपैरेटिवली और टॉपिक्स की वजह कम आते हैं इसमें, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज में ये जो गैंट्री गर्डर वाला चैप्टर था इसमें इतने ही क्वेश्चन है। कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्लास्टिक एनालिसिस से पूछे जाते हैं आपको पता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड डे।